शनिवार सुबह 5 बजे के लगभग सेक्टर 8 में डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। इनमें से एक युवक हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर श्रीराम हाइट्स का निवासी बताया गया है। वही दूसरा मृतक अभिवंश राहुल केला से आया हुआ था, जो मृतक अविनाश वर्मा का साथी था। शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप भी दिया गया है। शनिवार सुबह सेक्टर 8 में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जिनमें से एक युवक का नाम अविनाश वर्मा बताया गया है, तो वहीं दूसरे युवक का नाम अभियंश है, जो राहुल केला से भिलाई आया हुआ था। दोनों युवक एक बाइक में सवार होकर टाउनशिप क्षेत्र की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सेक्टर 8 में अनियंत्रित होकर उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के उपरांत दोनों युवक जमीन में गिर पड़े, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि दुर्घटना के उपरांत बाइक काफी ऊपर उछली थी, इससे उसकी रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुर्घटना के बाद बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों युवक सुबह चाय पीने बाइक में सवार होकर कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड श्रीराम हाइट्स से निकले थे। मृतक अविनाश बेंगलुरु में जॉब करता है और दीपावली के पूर्व ही घर आया हुआ था। घर पर ही वह वर्क फ्रॉम होम में था। किसी परिचित के शादी के उपरांत 4 जनवरी को अविनाश का वापस बेंगलुरु लौटने का कार्यक्रम था। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक अविनाश वर्मा के पिता संतोष वर्मा और माता सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें दोनों युवक मृत मिले। मृतकों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला लाया गया। यहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक अविनाश वर्मा अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इस पूरे मामले की जानकारी भिलाई नगर थाना प्रभारी मनोज प्रजापति ने दी। ये सुबह लगभग 5 बजे की घटना है। दोनों लड़के कैलाश नगर जामुन से निकले थे घूमने के लिए, तो करीबन ये सेंट्रल एवेन्यू से होते हुए दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो ये सेक्टर 8 के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर चौक पर टकरा गई और उनको गंभीर हालत में सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया। एक है अविनाश वर्मा, जिसकी उम्र 26 साल है, और एक है अभियंश खेत्रपाल, जिसकी उम्र 16 साल है। हेलमेट नहीं पहने थे। अब कारण उसको कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी जो बाइक वगैरह है बहुत स्पीडली। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला की मर्चुरी में मौजूद मृतक अविनाश वर्मा के पिता संतोष वर्मा और एक रिश्तेदार अखिलेश वर्मा ने घटना की जानकारी दी। इस घटना की जानकारी मुझे मेरे फोन पे 5:36 में सुबह प्राप्त हुआ और पता चला कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसको सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले गए हैं। डॉक्टर लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे सूचना मिला। उसके बाद हम लोग, मैं और मेरी वाइफ दोनों जन अपनी कार से सेक्टर 9 की ओर रवाना हुए और जब गए तो कैजुअल्टी के पास ही एक स्ट्रेचर पे मेरा बेटा मृत अवस्था में मिला। बाइक इन लोग चला रहे थे और हो सकता है बाइक की स्पीड ज़्यादा रही हो, और मुझे कहीं से सूचना मिली है कि बाइक डिवाइडर चौक के डिवाइडर से टकरा के करीब 20 फुट उछली, ऐसा एक बस वाले ने किसी को सूचना दी है ना, और इन लोग की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और पीछे जो बैठा था 16-17 साल का बच्चा जो शादी में आया हुआ था शामिल होने के लिए, दोनों जन की मृत्यु हो गई। मेरा बेटा अविनाश वर्मा और दूसरा बच्चा अभियंश अभियंश, इन लोग सवेरे चाय कॉफ़ी के चक्कर में निकले थे, इतना ही सूचना मिला। जब जा रहा था तो मैं भी थोड़ी देर पहले ही उठा था बाथरूम जाने के लिए, तो मेरी बेटी ने बताया कि अविनाश अभी अभी घर आया था और वो जा रहे हैं, वो लोग चाय कॉफ़ी के चक्कर में कहीं जा रहे हैं, आप उनको रोकिए करके। मैं बोला इन लोग तो बच्चे आजकल सुनते कहाँ हैं किसी का। हाँ, मेरा बेटा बेंगलोर में जॉब कर रहा था पिछले 2.5 साल से, अभी यहाँ पे आया है दिवाली के पहले, और
वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। शादी अटेंड करने के बाद उसका 4 जनवरी का टिकट था, कंफर्म टिकट था बेंगलोर जाने के लिए वापस, और ये घटना घट गई। अविनाश वर्मा मेरे बेटे का नाम है, दूसरा बेटा राहुल केला, दूसरा बच्चा जो है राहुल केला से आया है, उसका नाम अभियंश बता रहे हैं। एक्चुअली अविनाश जो है वो श्रीराम हाइट्स कैलाश नगर में रहता था और बेंगलोर में सर्विस करता था विगत 2.5 साल से। बीटेक किया हुआ बच्चा है, ये हमारे परिवार का ही बच्चा है। ये अब छठ पूजा मनाने आया हुआ था दिवाली में, पड़ोस में एक परिवार में शादी थी तो बाहर से एक बच्चा और आया हुआ था जो दूसरा बच्चा है जिसका नाम अभियंश है। तो शादी का माहौल था घर में, लोग जगे हुए थे सवे, मतलब सुबह से ही रात भर जगे हुए थे। लगभग 3 बजे के आसपास की बात है, अब दिन जगे रहने से माहौल बनता है दोस्तों यारों का, तो इन्होंने सोचा कि चलो चाय पी के आते हैं, इतनी रात को कौन जगाएगा किसी को चाय के लिए। तो ये लोग निकले चाय पीने के लिए सिविक सेंटर साहब, जैसा लोग बता रहे हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। वहाँ पर उनको बंद मिला तो वो बोले कि चलो आगे चलते हैं, शायद वो स्टेशन की तरफ जा रहे होंगे। तो सेक्टर 10 चौक पर, सेक्टर 8 चौक पर, वहाँ पर उसकी बाइक जो है चौक से टकराने के बाद दोनों का स्पॉट पे, एक बच्चा जो अभियंश बाहर से आया हुआ था शायद वो सेक्टर 9 हॉस्पिटल में उसका ध्यान हुआ, लेकिन अविनाश शायद स्पॉट पे ही उनका अंत हो गया। देखिए वो चौक पे अभी देखा जा रहा है कि लगभग सारे चौक से रेलिंग हटा दी गई है और चौक की हाइट कम कर दी गई है, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही वो ख़तरनाक बन चुका है। क्या है, हाइट कम होने की वजह से, रेलिंग हट जाने की वजह से दूर से वो चौक दिखाई देता नहीं है, और जहाँ तक सुनने में आया कि चौक की जो है उसका डाया भी बढ़ा दिया गया है। तो मैं तो कहूँगा प्रशासन से कि उसका विशेष रूप से ध्यान दे, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, पहले भी और घटना घट चुकी है, और खास करके सारी घटनाएँ रात में ही हो रही है। जाहिर है कि उस हाइट ना दिखाई देने की वजह से चौक का सही आकलन कर पाना मुश्किल रहा है, और जो थोड़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ी रहती है जनरली टकरा जाती है। बहरहाल इस दुखद घटना के बाद से अविनाश वर्मा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरा मृतक युवक अभियंश भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा बताया गया है। जिस स्थान में यह दुर्घटना हुई उसके पूर्व भी इसी स्थान में 3-4 दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं। अविनाश वर्मा की दुखद मौत से उसके परिजनों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।